नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश, किसका होगा राजस्थान में। राजस्थान में 200 सीटों वाले विधानसभा के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है। 23 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग होगी। राज्य में हर बार की तरह इस बार भी मुकाबला सत्तारूढ़ कांग्रेस और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी के बीच है। दोनों पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। कांग्रेस राजस्थान के रण के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। वहीं बीजेपी ने भी विधानसभा चुनाव के लिए 41 प्रत्याशियों के नामों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, जिसके कुछ उम्मीदवारों के टिकट भी कट गए हैं, उसमें असंतोष दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी के टिकट के दावेदारों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी की सांसदों वाली सियासत कहीं पार्टी के लिए भारी ना पड़ जाए और बीजेपी की अंदरूनी कलह राजस्थान के जादूगर को रिवाज बदलने के लिए सियासी पिच ना तैयार कर दे, आज राजस्थान के रण में हम इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए गेस्ट का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए, राजस्थान में आलम यह है कि 41 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जब से आई है, कांग्रेस तो छोड़िए, खुद बीजेपी के ही लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं, चेतन राज पुरोहित जी मीडिया पैनलिस्ट हैं, बीजेपी से जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर सुनील सुशीला शर्मा, आप भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं चेतन जी आपके पास आना चाहूंगी, 41 उम्मीदवारों की लिस्ट, लेकिन कांग्रेस तो छोड़िए, आपकी अपनी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। देखिए बरुण जी, जब भी राजस्थान के अंदर चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे नगर निगम स्वायत्त संस्थान का हो, चाहे पंचायत का हो, एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, किसी भी संगठन में हो, किसी भी पार्टी में हो। दावेदार कहीं पे 5 होते हैं, कहीं पे 10 होते हैं, कहीं पे 20 होते हैं। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिस व्यक्ति को या जिस कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, वो पार्टी अपनी रणनीति के तहत सोच समझ के निर्णय लेती है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ, ये आवेश आता है जिस समय टिकट कटता है, हर व्यक्ति को आता है, गुस्सा भी आता है, निराश भी होता है, स्टेटमेंट भी देता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा अनुभव जो 2-3-4 चुनावों का है, जैसे जैसे समय निकलता है, धीरे धीरे डायल्यूट होता है मैटर, और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के और उस चुनाव के अंदर जिसको टिकट मिलता है उसके साथ लग जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करते हैं। ये तो नहीं भारतीय जनता पार्टी की बात। अब आता हूँ हमारे मित्र, हमारे विरोधी दल कांग्रेस पे आता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हम 6 महीने पहले 100 टिकट डिक्लेयर कर देंगे। ये राजस्थान की जनता ने देखा है, 100 तो दूर है, 6 महीने भी छोड़िए, आज तक एक भी टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई। क्यों डिक्लेयर नहीं कर पाई? क्योंकि जिस प्रकार का सिर फटोबल टिकट से पहले ही कांग्रेस में मचा हुआ है, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी राजस्थान की राजनीति के अंदर कहता है कि आने वाले समय में ऊंट किस करवट पर बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रही है कि राजस्थान की जनता ने जिस प्रकार का ये 4.5 साल का शासन देखा है और जिस प्रकार से राजस्थान की जनता त्रस्त हुई है और जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का कार्य इस राजस्थान की सरकार का इस राजस्थान की जनता के प्रति रहा है, उससे निश्चित रूप से है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान की राजनीति में वापस सत्ता में आ रही है। ये तो चेतन जी आपका मानना है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के रवि कुमार सिकदार जी भी जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका। और चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आश्वस्त हैं कि इस बार जनता उनके सिर पर ही जीत का ताज पहनाने वाली है। ख्याली पुलाव बनाना कोई गलत बात नहीं है, ख्याली पुलाव बना लेने चाहिए,
और ये काम भाजपा बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार से अपने सपने या अपने अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बातें करना शुरू कर दिया है, तो इनका जनता पर कोई भी प्रभाव नहीं है। इसका फैसला जनता करेगी। आने वाले समय में राजस्थान की जनता जिस प्रकार से हमारी सभाओं में या हमारे नेताओं को जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रही है, चुनाव 23 नवंबर को होगा, बटन दबाकर हमें आशीर्वाद मिलेगा और 23 दिसंबर को वो सबके सामने परिणाम होंगे। हम बात कर रहे हैं कामों के दम पे। जिस प्रकार से 4.5 साल 5.5 साल कांग्रेस सरकार ने जनता को राहत देने का काम किया है, हमारे पास अभी इतनी लंबी सूची है कामों की, हम उस सूची को लेकर मैदान में जाएंगे। और बात करता हूँ, जैसा आपने विषय रखा हुआ है कि टिकटों में देरी, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और आप देखिए धरातल से ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, जिले स्तर से मंथन होकर फिर टिकट वितरण किए जाएंगे। ये नहीं है कि इनको पता है कि राजस्थान में हमें हार का मुंह देखना पड़ेगा तो जो भी था वो पटक पटका के फ्री कर दिया कि भाई ठीक है जो भी है वो फ्री होगा कि कंप्लीट करें। तो इन सबके सीधे सीधे से मायने यही है कि मैदान में इनके पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है। और एक जो मैं कह सकता हूँ कि इस सूची का जो नाम या इस पे बात करना अपना समय खराब करने के बराबर है। सूची कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, हमारे पास कामों की सूची है जिसके दम पर हम जनता के सामने जाएंगे, जनता हमें उस सूची के आधार पर आशीर्वाद प्रदान करेगी। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान की बहुत अच्छी परख रखते हैं, जानकारी रखते हैं, एक एक सीट को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सुनील जी, आप ये देखिए कि बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है कि इस बार जो सत्ता है वो उन्हें मिलने वाली है, कांग्रेस आश्वस्त है कि काम के भरोसे जाएंगे, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात कर ले, आप देखिए कि जब अपनी ही पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो साथियों को ही अगर पैराशूट बोलने लग जाएंगे तो आम जनता कैसे उन्हें स्वीकार करेगी? जी हाँ, बिल्कुल सही चारू आप कह रही हैं कि जिस लिस्ट को एक बहुत ही बैलेंस लिस्ट मान के या बीजेपी वाले सोच रहे थे कि हमने एक बहुत अच्छी लिस्ट 41 नामों की निकाली है, और यहाँ तक कि बीजेपी के लोग ये भी कह रहे थे कि इसमें एक सीएम फेस भी है, उस लिस्ट का 2 घंटे बाद ही अगर विरोध शुरू हो जाता है तो वाकई में बीजेपी के लिए सोचने की बात है कि 7 सांसदों की आप विधायक लड़ने के लिए कहते हैं और उसके बाद अचानक से इन सबके लिए एक ऐसा विरोध शुरू हो जाए, 7 सांसदों के अलावा और भी जो दूसरे लोग हैं जिनके लिए कि जैसे कि अगर आप बात करें तो पुनियारा से कर्नल बैसला के बेटे को आपने टिकट दिया, विजय बैसला को, उनके लिए कहा जा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि सारडा की सीट पर उस व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो बीजेपी के लिए पिछली बार बागी उम्मीदवार बनकर खड़ा हुआ था, लादू जी पिथलिया, लादूराम पिथलिया की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह के टिकट जब बढ़ते हैं और पहली लिस्ट में बढ़ते हैं तो असंतोष बढ़ना बिल्कुल संभव है और इसी प्रकार का असंतोष बढ़ रहा है। इनमें से कितने लोग निर्दलीय खड़े होते हैं और कितने लोगों को पार्टी संभाल पाती है, एक पहली बात है। और दूसरी बात, जहां रवि कुमार जी कह रहे हैं कि हमारे पास कामों की सूची है, तो रवि कुमार जी कम से कम कमोवेश ऐसी स्थिति आपकी लिस्ट के बाद भी आने वाली है, क्योंकि इस समय पर लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, तो आप लोगों के सामने भी स्थिति आने वाली है। कामों की सूची के अलावा सूची तो आपको लोगों को निकालनी ही पड़ेगी। जी सुनील जी भाई, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात हमें कही है कि हमें भी प्रत्याशियों की सूची चाहिए होगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 200 विधानसभा सीट है, 200 की सीटों पर तो प्रत्याशी में उतार नहीं है। हमारे प्रत्याशी वो आएंगे जिनका धरातल से कनेक्शन होगा, जो धरातल से सारे पैमाने क्लियर करेंगे, जिसका ब्लॉक से जुड़ा हुआ नाम होगा, जिसका जिला वेरीफाई करेगा, जिसको प्रदेश वेरीफाई करेगा, उसके बाद में आएगा। तो जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से हम ऐसे प्रतिनिधि जनता के सामने पेश करेंगे जिनका ना तो जनता विरोध करेगी और ना हम आपस में कार्यकर्ता विरोध करेंगे। जी, लेकिन फिर भी 5 साल जब लोग काम करते हैं, खासकर युवा चेहरा, अगर मैं बात करूं, आपकी ही बात करूं, तो आप खुद भी एक विधानसभा सीट से प्रयास कर रहे हैं आप ही, लेकिन जब आपको लगता है कि आपकी 5 साल की मेहनत सही नहीं हो रही, उसके लिए किसी और को टिकट मिलता है, तो असंतोष आना एक बार होता है, ठीक है, समय रहते फिर उस असंतोष को दबा लिया जाता है या कैंडिडेट को मना लिया जाता है और वहां पर चुनाव जीत जाता है, क्योंकि टिकट वितरण सबसे जरूरी काम है जिसके कारण आप चुनाव जीत सकते हैं, पहला स्टेप। अब आपने मुझ पर व्यक्तिगत बात की है तो मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, मैं खुद प्रत्याशी हूँ, खुद टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ, लेकिन संगठन को महत्व देकर संगठन को अपना समय दे रहा हूँ और संगठन की बात रख रहा हूँ, तो वहां पर आपको साफ साफ ही दिखाई दे दिया होगा कि हमने सिर्फ हमारी मांग रखी है,
हमने हमारे जो पैमाने थे वो अलग। लेकिन रवि जी, आप जिस तरह से दावेदारी पेश कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि कांग्रेस में कभी इस तरह की सिचुएशन देखने को नहीं मिली है? ये तो हमने हर बार देखा है, हर चुनाव की यही कहानी है कि जिसे टिकट ना मिले वो पार्टी की सारी गलतियां जो है वो निकाल कर खड़ा कर देता है। यहाँ तक कि बगावत सबसे ज्यादा हम लोग अगर देखते हैं तो कांग्रेस में ही है। राहुल जी, आपके सामने जीता जागता लाइव एग्जांपल बैठा है, और जैसा सुनील जी ने कहा कि मैं खुद प्रत्याशी हूँ। बगावत की कहानी आपको एक बहुत छोटा सा, आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव है, मध्य प्रदेश की बगावत आपको याद होगी ना? सारी चीजें हमें याद है, लेकिन अब हमारा सिर्फ और सिर्फ काम के आधार पर जनता, क्योंकि जनता जिस प्रकार से हमारा एक विश्लेषण या मंथन चल रहा है टिकट को देने को लेकर, वो बाल की खाल निकालने के तर्ज पर काम हो रहा है। जितना हम मजबूती के साथ जनता में होंगे उसी के आधार पर टिकट मिलेगा। अगर हम उन पैमानों पर खड़े नहीं उतरे तो हमें भी हमारे, देखो टिकट मांगना सबका हक और अधिकार है, लेकिन अपनी स्थिति हमें खुद को पता है तो हम आश्वस्त है। अगर मिल गया हमारे काम के आधार पर तो ठीक है, नहीं मिला तो संगठन के लिए बराबर डिबेटों में बैठेंगे, भाषण देंगे। और जो भाजपा की कुशासित एक सत्ता केंद्र में बैठी है और जो गरीब दलित पीड़ित महिलाओं की शोषित करने वाली सरकार बैठी, उसके विरोध में पुरजोर हम हमारा दायित्व निर्वहन करेंगे। मैं इसका जवाब हमारे जो बीजेपी के पैनलिस्ट हैं इनसे ले लेती हूँ। चेतन जी, कांग्रेस के जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि बाल की खाल निकाल कर, यानी जिसने काम किया है उसे ही टिकट दी जाती है। आपने तो सांसदों को उतारा है, मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाया है, लेकिन बगावत के सुर बहुत तेज हैं सर। हाँ, इन्होंने खाल निकाली है राजस्थान की जनता की। बाल की खाल तो ये निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, लेकिन राजस्थान की जनता की खाल निकालने का काम इन्होंने 4.5 साल में किया है। अब आता हूँ मैं मेन मुद्दे पर। इन्होंने कहा था हमारे मित्र करें सूची, हाँ सूची इनके पास है। सूची क्या है? पेपर लीक। सूची क्या है? भ्रष्टाचार, सचिवालय में पैसा मिलना। सूची क्या है? महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ रेप। सूची क्या है? किसानों की कर्ज माफी का वादा करके उनके कर्ज माफी नहीं करना। सूची क्या है इनके पास? सामाजिक सुरक्षा। सूची क्या है इनके पास? ओपीएस। ओपीएस की सूची में भी इनके राजस्थान की जनता के सामने ये बेनकाब हो गए हैं। तो सूची इनके पास कुछ नहीं है। इन्होंने जो काम करने का जो नाटक किया है 4.5 साल, अभी निश्चित बताता हूँ, आचार संहिता लगने से 1 घंटा पहले ने इन्होंने 3 RPSC मेंबर नियुक्त किए हैं। आप देखिए पारुल जी, और तो और इन्होंने आचार संहिता लगने से 1 घंटा पहले आयोग बनाए। राजस्थान की जनता इनसे पूछ रही है कि 4.5 साल तक आपको याद क्यों नहीं आया, आचार संहिता लगने से 1 घंटे पहले आपको क्यों याद आया? ये राजस्थान की, देखो बीच में नहीं बोलता हूँ रवि कुमार जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, किसी के मेरी आदत में नहीं है। अब आगे की बात कहता हूँ, मेरे जैसे कार्यकर्ता इस संगठन में है, सपने में भी नहीं सोचते टिकट मांग लेगी, 30-30 साल से काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि संगठन में काम करके संगठन को मजबूती पैदा करना है। कांग्रेस के अंदर हर कार्यकर्ता दावेदार है एमएलए के चुनाव का, हर कार्यकर्ता टिकट मांग रहा है। और ये जो टिकट मांगने वाले लोग हैं, इनकी जो क्लेश है, ये क्लेश इतने भारी लेवल पर है, इनकी हिम्मत ही नहीं हो रही डिक्लेयर करने की। इनका अल्लाह कमान ये तय नहीं कर पा रहा टिकट करने के बाद की परिस्थिति को कैसे संभालेंगे। संभालना इनके लिए भारी पड़ जाएगा, संभाल नहीं पाएंगे अरुण जी, संभाल नहीं पाएंगे, इसी डर से टिकट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनसे 100 कदम आगे चल रही है, हमने उन सीटों के टिकट डिक्लेयर कर दिए जो हमने जीती नहीं है। और तो और हमने सांसदों को टिकट इसलिए दिया है कि हमारे पास सांसद है, इनके पास सांसद ही नहीं है राजस्थान में, कहां से टिकट देंगे? ये इनका खाता नहीं खुला है राजस्थान में सांसद, एमपी में, लोकसभा में इनका अकाउंट नहीं खुला, ये कहां से सांसदों को टिकट देंगे? अब आता हूँ मैं कांग्रेस के मित्र के असली बात पर। इन्होंने काम किए हैं, लाठियां चलाई है, वीरंगनाओं पर लाठियां चलाई है, किसानों पर लाठियां चलाई है, शिक्षकों को पे लाठियां चलाई है, शिक्षकों के तबादले करने का वादा करके तबादले नहीं करने पे लाठियां चलाई है। इन्होंने तो डॉक्टरों को भी नहीं छोड़ा है, इन्होंने तो धरती के भगवान को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी इन्होंने लाठियां चलाई है। और अब उन लाठियों का जवाब देने का समय आया है, जो राजस्थान की जनता देने के लिए तैयार बैठी है। घबराए हुए हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, घबराए हुए हैं,
इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता तो गई और तो और कांग्रेस के मित्र स्वीकार करते हैं। वैसे 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 देखिए चेतन जी चुनाव आप डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, सुनिए एक सेकंड, आप सुन लीजिए। मैं सर ये फेहरिस्त तो आप लोग बहुत सारी गिनवा देंगे, लेकिन सिर्फ आप अपनी खामियों का अगर छुपाना चाह रहे हैं, चुनाव मध्य प्रदेश में भी है, वहां पर आपको याद होगा महाकाल कॉरिडोर में अभी किस तरह से मूर्तियां जो है वो गिरी थी, आप ही के शासनकाल में व्यापक घोटाला भी हुआ, आप ही के शासनकाल में पटवारी भर्ती पर भी सवाल उठे, आप ही के कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है, भ्रष्टाचार की बातें तमाम निकल कर सामने आ रही है, उन पर अगर आप पट्टी डालकर सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनाना चाहते हैं, मीठा मीठा खाएंगे कड़वा कड़वा थूक देंगे, ऐसा चलेगा क्या? आता हूं राजस्थान का चुनाव हो रहा है, राजस्थान पे चर्चा हो रही है, राजस्थान। अच्छा, मतलब मेरा सवाल आउट ऑफ सिलेबस था क्या? बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। राजस्थान के रण में राजस्थान की बात होगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात बताता हूँ आपको, हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत जोरदार बात है, आपका ये जवाब कांग्रेस के मित्र ने भी बहुत जोरदार बात कही, कि हमारे पास कामों की सूची है, वो सूची तो मैं गिना रहा हूँ, और इनके पास सूची क्या है? सूची ये है कि सचिवालय में 2.5 करोड़ रुपए पाए जाते हैं। सर मुझे तो लगता है चेतन जी, मुझे इसका सवाल सुनील जी से ले लेना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के पास फेहरिस्त है। सुनील जी, आउट ऑफ सिलेबस कोई जवाब नहीं चलेगा, आप सिर्फ राजस्थान की बात करिए, और यहाँ पर लिस्ट तो सबने गिना दी है, लेकिन जमीनी हकीकत से आप बहुत अच्छी तरह रूबरू है। अगर आप आउट ऑफ सिलेबस की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि केवल राजस्थान की बात होनी चाहिए, तो मैं भी आपसे सिर्फ एक सवाल पहले पूछना चाहूंगा कि 41 की लिस्ट में 7 सांसद बाहर के हैं, असल में वो आप ये मान के चलिए कि वो लोकल वहां के नहीं है, तो क्या वाकई आप लोगों ने भी सोच लिया कि जो राजस्थान लेवल पर जो नेता है वो काम के नहीं रहे, विधायक काम के नहीं रहे, जो पहले 3-3 बार जीत चुके हैं, उन लोगों को आपने टिकट हटा दिया, जबकि आपका काम सेंट्रल की उससे की सूची के साथ आप तो मैदान में उतरने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी के फेस पर आप मैदान में उतरने वाले हैं, तो फिर ये लॉजिक जगह आपने ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो की आपकी पार्टी के नहीं थे। अगर आप बांदीकुई की बात करते हैं, भागवत टाकरा जो की आपकी पार्टी में नहीं थे, बसपा से आपको टक्कर दी थी, आपकी बात का जवाब देता हूँ। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहाँ से सांसद है आप बताइए मेरे को, कहाँ से सांसद है? दिया कुमारी जी कहाँ से सांसद है? दिया कुमारी जी कहाँ की निवासी है बताइए आप मेरे को, बताइए, क्या छत्तीसगढ़ के निवासी है राज्यवर्धन जी? क्या दिया कुमारी जी पंजाब की निवासी है? नहीं है। दूसरी बात, ये हमारी पार्टी तय करेगी हमारी रणनीति, अब टीवी पे खुलासा नहीं करेंगे, हम तय करेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, ये हमारा चेतन जी, मुझे लगता है कि आपकी पार्टी को पूरा अधिकार है ये तय करने का कि कौन सा कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेगा, लेकिन आप ही के पार्टी के जो नेता हैं, जो वो उम्मीदवार थे जिन्हें टिकट नहीं मिली, वो ही कह रहे हैं कि ये देखिए पैराशूट आ रहे हैं, यहां पर पैराशूट कैंडिडेट आ रहे हैं, हमने काम किया है, आप आशीर्वाद देंगे तो मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, क्या आपके पूर्व विधायक इस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं? मैंने शुरू से यही तो कहा था, शुरुआत इसी से की थी कि आक्रोश होता है, आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं सर, और आप सवाल यहाँ पर उठाकर खड़ा कर देते हैं। हमारी पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, डैमेज कंट्रोल हो जाता है, ये तो कांग्रेस आप देखना, कांग्रेस डैमेज हो क्यों रहा है? कंट्रोल तो बाद में सभी कर लेते हैं, कांग्रेस नहीं कर पाती, आम आदमी पार्टी नहीं करती है, बीएसपी नहीं करती है, सपा नहीं करती है, कौन नहीं करता है, डैमेज हो क्यों रहा है? सवाल तो यही है, मैं सुनील जी से जवाब लूंगी। सुनील जी सर, सर सुनील जी भी हैं डिबेट में, सर उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, रेजिडेंट एडिटर है हमारे सर। सुनील जी, डैमेज कंट्रोल हो जाएगा ये तो कह रहे हैं चेतन जी, लेकिन डैमेज हो क्यों रहा है सवाल तो यही है। जी हाँ, बस यही तो है, और इसी कारण तो कार्यकर्ताओं में असंतोष फैल रहा है कि वो उन लोगों पर विश्वास नहीं कर रहे जो लोग पिछले 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, हारने के बाद भी अपने घर पे नहीं बैठे और पिछले 5 साल से लगातार अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं जिससे कि अगले चुनाव जब आए तो वो जीत जाए। ठीक है, ये बात सही है कि कितने भी जो वहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं या लोकल जो एप्लीकेशन आती है उनमें से किसी एक को आप दीजिए तब बात समझ में आती है कि आप इस कैटेगरी से दीजिए, पर आपने उन सबको दरकिनार कर दिया और अचानक से पैराशूट उम्मीदवार वहां लाकर उतार दिया, और एक जगह नहीं 7 जगह 3 जगह ऐसी जगह मैंने बताया कि ऐसी जगह जहां पर आपकी पार्टी के लोग ही नहीं है जो कि अचानक से वहां पर आए हैं, और या फिर उससे पहले बाकी उन्हें आपने खड़ा किया, तो वो लोग जो लॉयल हैं आपके लिए जो आपकी पार्टी के लिए काम करते हैं उनमें संतोष आना तो जरूरी है, फिर इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? मैं बार बार बताता हूँ आपको, हर पार्टी में टिकट मांगने वाले हर सीट पे 20 कार्यकर्ता होता है, टिकट तो एक को मिलेगा सुनील जी, 2 को तो नहीं मिलेगा किसी विधानसभा क्षेत्र में, एक ही व्यक्ति को टिकट मिलना है,
टिकट एक व्यक्ति को जब मिलेंगे तो रिमेनिंग जो रहेंगे, निश्चित रूप से मैं मानता हूं तो इस बात को, जब भी चुनाव होते हैं, जब भी टिकट क्लियर होते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया आती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि हमारी सब चीजें नॉर्मल हो जाती है और हम एक मुट्ठी में बंद होकर के सभी कार्यकर्ता चुनाव मैदान में जाते हैं और हम जीतते हैं। मैं रवि जी से जवाब ले लेती हूँ। रवि जी फिगर कर रहे हैं। रवि जी हाथ उठा रहे हैं, उन्हें एक बार बोलने का मौका दे देते हैं। चेतन जी वो भी बहुत देर से शांत है ना, एक बार सुन लेते हैं उनकी वो क्या कह रहे हैं। चलिए ठीक है, बोलिए। हम जब भी चुनाव राजस्थान में सरकार बनाई है, 120 से बनाई है, 166 से बनाई है, कांग्रेस ने जब भी सरकार बनाई है बहुमत इनको नहीं मिला आज तक। आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी इस बार, निश्चित रहिए। अब मैं बोल लेता हूँ रवि जी, एक सवाल मेरा भी है। जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं, सवाल ये है कि पहले आप अपने ही कैंडिडेट को पैराशूट कैंडिडेट बोल देते हैं, उसके कुछ वक्त बाद आप उसी जनता के सामने आखिर किस मुंह से जाएंगे और कहेंगे कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट को वोट दीजिए, यानी पहले डैमेज कर दिया है फिर डैमेज कंट्रोल भी करेंगे जी। अब मैं आपको इस डैमेज के बारे में बताता हूँ कि अभी मैं कुछ देख रहा था तो किसी साथी ने ये लिखा भाजपा के ने कि जो सांसद 10 साल से दिखाई नहीं दे रहा वो अब जन जन का लाडला बनकर जोटवाड़ा में वोट मांगेगा। तो ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है, वो भी वो लोग जो झंडा उठाए हुए पूरे 5 साल से मेहनत कर रहे हैं भाजपा के लिए, वो लोग ये बातें कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। और आपने कहा कि जैसे ये वो अभी जैसे डैमेज बता रहे हैं और कल इसको ये साध लेंगे, तो ये भाजपा की तो नीति है। देखिए आप, हमारे राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो जाती है, ये वापस फिर हमारे राहुल गांधी जी सदस्य बनकर आ जाते हैं, तो ये तो बेशर्मी वाले काम है इनके। इनको तो मतलब धाप की इतनी बेशर्मी है कि कुछ नहीं है। युवराज ने हार मान ली है राजस्थान में, आपके युवराज ने राजस्थान में हार स्वीकार कर ली है, याद करिए रवि जी, आपके युवराज ने राजस्थान में हार स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा राजस्थान में हम नहीं आने हैं। रवि जी, मैं आपके युवराज ने स्वीकार की, हमने नहीं की है, हमने नहीं कहा है। आपके युवराज ने दिल्ली में कह दिया राजस्थान में हम नहीं आ रहे हैं, कर रहे हैं कि वो नजर नहीं आया उनको टिकट मिल गया और वो उन्होंने काम नहीं किया उनको टिकट मिल गया। आपके टिकट वाले दिन भी कुछ ऐसे ही सवालों का सामना आपको करना पड़ेगा। मैं सुनील साहब आपसे वादा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब हमारी सूची आएगी ना और मुझे उस दिन मौका जरूर आप देना और मैं आपको दिखा दूंगा कि एक भी बंदे ने अगर कुछ किया हो तो आप जो कहेंगे वो हम सुनने को तैयार रहेंगे। एक भी आदमी विरोध की भूमिका नहीं निभाएगा। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, अगर मैंने धरातल में बहुत मेहनत की है। सुनील जी, अब तो इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस की लिस्ट का। और जिस दिन लिस्ट आएगी उस दिन रवि जी जरूर जुड़ेंगे हमारे। सबसे पहले रवि जी 50 नामों की जो लिस्ट आने वाली है ना सर, जो 50 नामों की लिस्ट आने वाली है वो भी बहुत चौंकाने वाली होगी, जो 41 से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली होगी। इनका टिकट मिलते ही चैनल से गायब हो जाएंगे, मेरे जैसे आएंगे जो टिकट नहीं मांगते हैं, ये चैनल से गायब हो जाएंगे, आएंगे नहीं 3 दिन तक जैसे टिकट कटेगा। सुनील जी एक सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, हमने ये तो देख लिया कि टिकट कटने पर विरोध होता है, हालांकि रवि जी आश्वस्त हैं कि अगर एक सिंगल आवाज भी आई विरोध की तो वो हम जो कहेंगे वो वैसा करने को तैयार है, लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम सवाल ये है कि टिकट की दावेदारी होती है, टिकट चाहिए जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा तो दूसरा स्टेप है, यहाँ तो टिकट कटने पर ही विरोध के स्वर देखने को मिल जाते हैं, यानी जनता की सेवा से कोई सरोकार है या नहीं नेताओं को? हाँ, पहली लड़ाई तो चुनाव में मैदान में तो बात नहीं करते, पहली लड़ाई तो अपने ही लोगों से होती है, अपनी ही पार्टियों से होती है, जो अचानक से सामने निर्दलीय खड़े हो जाते हैं या बागी खड़े हो जाते हैं या दूसरे खेमे में जाके मिल जाते हैं या दल बदल लेते हैं। वाकई में ये सेवा तो खैर अब आज की तारीख में राजनीति को हम क्या कहें, और ये देखिए हमें खुश होना चाहिए कि कितने लोग सेवा करने के लिए इतना आगे आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करेंगे लेकिन सेवा जरूर करेंगे। चलिए, मुझे लगता है वक्त की कमी है। चेतन जी, रवि जी, सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसका होगा राजस्थान, ये तो तय हो जाएगा 3 तारीख को, लेकिन उससे पहले सिर्फ फटावल लगातार देखने को मिल रही है और मुद्दा अभी तक सिर्फ और सिर्फ टिकट बंटवारे का है। उसके बाद क्या होगा लगातार न्यूज इंडिया आपको बताता रहेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।